जयपुर के एक प्राइवेट होटल में दो अनजान लाशें मिली हैं। आसपास के रूम में ठहरे हुए यात्रियों से पता चला कि रूम में गोलियां चली थीं। Two men found dead in one of the rooms of a private hotel. Eyewitnesses from the neighboring rooms told the police. उसको zoom कर। हाँ, थाम। उसका face ही नजर नहीं आ रहा है। ये footage waste है। हॉस्पिटल का भी कैमरा बंद किया था ना, उसका भी कोई फुटेज नहीं है। सॉरी सर, अब तक उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। क्या करेगा? ए, जल्दी आओ। हर जगह के हॉस्पिटल को छान मारने का। वो मुलगी की लाश के साथ क्या करेगा? शादी करेगा? और अगर मुलगी जिंदा है तो वो किधर है, किस हॉस्पिटल में? और जो उस लड़के को जिंदा या मुर्दा लेके आएगा ना, उसके लिए प्राइज 1,00,000 रुपीज। ऑफर वैलिड टुडे टुमारो एंड बी हैप्पी नो सॉरो। महेश सर, पर्सन कमिंग ऑन बाइक, हिज फादर सर। सर, मैं महेश का पापा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे को किसी ने मार दिया, कुछ पता चला सर? एक मिनट। हाँ, ये क्या? पुलिस का कहना है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट एम्बुलेंस में 5 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर सत्यमूर्ति, उनकी पत्नी, एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्स और 20 साल का एक नौजवान, इन सभी लोगों की बहुत गहरी चोट की वजह से मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे महाराष्ट्र स्टेट को हिलाकर रख दिया है। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि ये 20 साल का नौजवान आंध्र प्रदेश के वाइज़ैग शहर का रहने वाला था। पुलिस वालों का कहना है कि कुछ गुंडे जो सत्यमूर्ति को मारने आए थे, उनको बचाते वक्त इस नौजवान ने अपनी जान गंवा दी। एरिया के एमएलए ने इस घटना पे खेद जताया है। नमस्कार, कसा काय? यस कामत, कोल्हापुर वरन। बैठिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए सर, एक केस रजिस्टर हुआ है हमारे पुलिस स्टेशन में। जो बाइक ड्राइव कर रहा था उसका नाम महेश है, लेकिन बाइक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है। मेरे बेटे का दोस्त है महेश, वही ये बाइक ले गया था। एक लड़की भी थी साथ में उसके, शायद वो रोड ट्रिप पे गए होंगे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। महेश ने मुझे फोन करके उस एक्सीडेंट के बारे में बताया था। सो व्हाट्स द बिग डील? बिग डील? वेयर? Where is son? He's here, at home. Name, surname? Name? Rajnikant. Rajnikant? Yes. Rajnikant. Kaay khota bolto? Rajnikant, huh? येड़ा समझाए क्या अंकल आप उनको? ज्यादा मगजमारी करने का नहीं, क्योंकि आपन जब अपने पे आता है ना अंकल, तो सामने वाले की बैंड बजा देता है। साइयाला। Okay, one minute. रजनी बेटा इधर आओ। माय सन रजनीकांत। यू रजनी? या एक्चुअली महेश के साथ एक लड़का था, उसी को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अंकल धन्यवाद। हाँ, क्या धन्यवाद। महीने से तू ट्राई ही कर रहा है? ट्राई कर रहे हैं आप उन लोग सर। बता, तुझे कहाँ पे ट्रांसफर करूँ? सर सॉरी सर। तू तैयार रहे, कल तेरा ट्रांसफर आएगा। सर सर नो सर, सारी जिंदगी भर की पुलिस गिरी की बैंड बजाकर मेरी इज्जत की वाट लगा दी उसने। मेरे को ना किसी को मारने का है। इधर आ। सर, ये नए ऑफिसर का डिटेल्स है जो आज ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। सर थोड़ा जरूरी काम है अभी। तुझको क्या हुआ है? नहीं सर, नहीं नहीं। तो इतना स्ट्रेस का ही कोई? चिल मार। जी सर।
अरे बाप रे, मेरा नाम है रजनीकांत, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। लड़कियां रजनी सर की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए सोचा अपना भी यही नाम रख लूं, रजनीकांत। टेलीफोन डायरेक्टरी में रजनीकांत नाम के बहुत से लोग मिलेंगे, चाहे स्कूल जाऊं या कॉलेज। जब भी कोई मेरा नाम मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं आई एम रजनीकांत। सब मेरी तरफ 3 सेकंड ज्यादा देखते हैं, इसीलिए मैं लोगों को अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि बता दूं तो वो यकीन नहीं करते। जो रिएक्शन कामत ने दिया वही बहुत से लोग देते हैं। तो ये है मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड एज अ पुलिस ऑफिसर। कामत, मागच्या वेळी जेव्हा भेटलो होतो त्यानंतर थोडीशी मराठी शिकलो। ऍक्च्युली जब तुम मुझे घर पर ढूंढने आए थे तो मैं भी तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था, और एक बार नहीं कई बार आया था। पुलिस स्टेशन के पास खड़े रहकर यही देखता कि तुम हो या नहीं, तुम्हें मारने के लिए या तुम्हारी गंदी शक्ल देखने के लिए नहीं। लेकिन जब भी तुम्हें देखता तो मुझे बहुत जलन होती। तुम अपनी मर्जी से आते जाते, अपनी मनमानी करते, बहुत मन करता तुम्हें मारने का। तब सोचा कि अगर तुम्हारी जगह होता तो कैसा होता। बस एक ही फर्क होता, मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता। इसीलिए किसी को बिना बताए यूपीएससी एग्जाम्स लिखकर आईएएस के लिए सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। जब मेरी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन खत्म, पुलिस वेरिफिकेशन के तो लिए मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, फिर पुणे में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, वो भी अंडरकवर। और उसके बाद मैंने जिद की कि मुझे इसी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग चाहिए। जिंदगी में बिना किसी मकसद के आवारा घूमने वाला एक लड़का आज एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मुझे जानना था यह कैसे शुरू हुआ। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, जानना था कि तुम उस परिवार को खत्म क्यों करना चाहते हो। डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन डॉक्टर का बेटा इसमें क्यों इन्वॉल्व था यह भी मुझे जानना था। वो बेचारा तो मर गया, पर उसका फोन डॉक्टर के पास था। उसके फोन में हमें एक औरत की फोटोज मिली, वही फोटोज लीला के घर के एक एल्बम में भी मिली। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उस औरत को ढूंढने में मुझे 1 साल लग गया, पर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। उसका नाम है अनामिका। जब उससे बात की तो एक 25 साल पुरानी प्रेम कहानी का पता चला। उस औरत को किसी से प्यार हो गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। नथुराम दुबे एक्चुअली एक गैंगस्टर था, लेकिन पार्टी वर्कर भी, और अनामिका उसी पार्टी की एक मेंबर थी। उसने आइडियोलॉजी का लेक्चर देकर अनामिका को अपने जाल में फंसा लिया। कोई नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। अनामिका को भी ये बाद में पता चला। उनका अफेयर पूरे 1 साल चला। फिर एक दिन अनामिका ने उससे कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अनामिका बहुत खुश थी, लेकिन नथुराम को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। उसने अनामिका को बहुत धमकाया, पर अनामिका ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अपनी बहन को सौंप कर जान बचा कर भाग गई। ये बात सिर्फ वो और उसकी बहन जानते हैं, नथुराम को भी ये नहीं पता। और वो लड़की है लीला। नथुराम एक पॉलिटिशियन, एक लीडर है, पार्टी में सेकंड इन कमांड है। अगर इलेक्शन में उसकी पार्टी जीतती है तो उसके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। अनामिका को जब यह पता चला तो वह अचानक पार्टी ऑफिस में आ गई। उसने नथुराम से मिलने की जिद की और उसे बताया कि तुम्हारी एक लड़की है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तुम्हें सीएम बनने का कोई हक नहीं है। अनामिका ने कहा कि लीला उसकी बेटी है और नथुराम को पूरे समाज के सामने उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन अनामिका ने सारा सच बताकर बहुत बड़ी गलती की। वो भूल गई कि नथुराम कैसा आदमी है। उसने 20 दिन में लीला को ढूंढकर रोड एक्सीडेंट में उसे मारने की सुपारी दी। नथुराम के आदमी अनामिका को मारने की कोशिश करने लगे।
अनामिका वहां से बचकर निकल गई, लेकिन वो कहां है किसी को नहीं पता। एक हफ्ते बाद जब अनामिका ने सत्यमूर्ति को फोन किया, तब पता चला कि उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन खतरा अब सत्यमूर्ति की जिंदगी को भी होने वाला है, ये उन्हें नहीं पता था। और तभी उन पर भी हमला किया गया। नेक्स्ट हॉस्पिटल में तुम्हारी एंट्री। बाद में नथुराम के सारे इंस्ट्रक्शंस लेने वाला उसका राइट हैंड अतुल, जो डॉक्टर का बेटा है, वही इस सारे फसाद की जड़ था। पुलिस ऑफिसर कामत, मतलब तुम, और गैंगस्टर वीरेन, इन तीनों में अब एक ही विलन बचा है और वो तुम हो। बाकी तो मेरे हाथों मारे गए। हॉस्पिटल में तुमने क्या किया, डॉक्टर के घर में तुमने क्या किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे मेरे बयान में मौजूद है। और वो मैंने कमिश्नर को दे दिया है। इस पर मुझे एक्शन लेना था और उसके लिए खाकी वर्दी की जरूरत थी। तुम्हारा फोन बजता ही रहेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि नथुराम दुबे अरेस्ट हो गया है। मैंने उसी के आदमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसे अंदर पहुंचाने के लिए कई लोगों ने मेरी मदद की। अभी हम उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। टू ऑफ योर पुलिस कलीग्स विल बी चार्ज शीटेड टुडे फॉर कंस्पायरिंग विद यू। उनमें से एक की स्टेटमेंट यहाँ मेरे पास है। ज्यादा फोर्स नहीं यूज करना पड़ा, उसने अपने आप ही सब कुछ बता दिया। यू आर नॉट अ स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। मैं कौन हूँ ये तुम्हें नहीं पता था, और उसी के बेसिस पर मैंने ये प्लान बनाया। हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे 2 साल और 6 महीने लगे। आई हैड द पेशेंस, आई वेटेड, मैंने रिस्क लिया, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। आज मैं DCP रजनीकांत हूं। क्या समझ रखे हो अपने आपको? क्यों लाया हो मुझे यहाँ? यह अनामिका कौन है? अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? फोन दे अपना। Shut up, फोन दे। This is a police station and this is my station. This is neither your MLA hostel nor is this your house. There is proof and evidence that you're involved in these murders. You attempted to murder your own daughter. Your lawyer's on his way. Until then, please be seated in that room, sir. And that's an order. Marshal, neither to Marshal. आता माची सटक ले। अरे 10-10 पुलिस वालों को साथ लेकर जाएगा। अबे बच्चे, अपने बाप को सिखाएगा कैसे करने का? अभी अभी नया आया हुआ लौंडा मेरे सामने होशियारी। महेश नहीं रहा अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहादुर था अंकल। मेरा बदला पूरा हुआ, सब खत्म हो गया।
यू आर ओके नाउ, वी आर ओके नाउ। अब तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं, घर आ जाओ। मैंने पापा से कहा है वो तुम्हें हमारे घर ले आएंगे। आई लव यू। Why did you stop? This place was the first time you got on my bike. I know. Shaam dhal rahi hai. Tum kaho to kisi hotel mein reh sakte ho. One room or two rooms? Ruko, mujhe kuch kehna hai. Thank you. Meri jaan bachane ke liye, mujhe nayi zindagi dene ke liye, mere liye tumne apni zindagi khatre mein dali. याद नहीं तुम्हें थैंक्स कहा या नहीं, इसीलिए कह रही हूं। शमा ही रुठू, तुमने सही नाम चुना है। मेरे साथ रहोगी? मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। शादी करोगी मुझसे? हाँ, पर मुझे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं हूँ ना।